कल बिल संसद में पेश हुआ, सांसदों ने विरोध, भाई उसमें आए सब सबका आ रहा है। क्या मोदी जी ने सुबह सुबह इसकी ड्राफ्ट करी थी या पहले से उसका मसौदा तैयार? भैया आप एक बात बताओ मुझसे, आप सवाल अभी पूछ रहे हो, सवाल अभी पूछोगे तभी जवाब दे दूंगा आपका, मैं माइंड पढ़ लूंगा कि पहले ही जवाब दे दूं। आप मुझसे ये पूछ रहे हो, संभावना और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे कुछ नहीं होता, सदन के पटल पर जब चीज आएगी तभी विरोध होगा, और तभी विरोध हुआ है। पहले विरोध नहीं होगा, कैसे होगा? तो आप ही लोग संभावना में विरोध हो जाएगा, हवा में विरोध हो जाएगा। आप हवाबाजी करें, हवाबाजी सिर्फ मोदी को आती है, हवाबाजी सिर्फ मोदी को आती है, हवाबाजी सिर्फ क्या रहेगा आगे? क्या हम सड़क से संसद तक इस बात को ये करते रहेंगे, इस बात को ये साबित करते रहेंगे कि हम विरोध कर रहे हैं? अनिल चौधरी साहब को संसद में कल संजय सिंह का बयान और भाषण समझ नहीं आया क्या? क्या ये टीवी भी नहीं देख रहे क्या? अरे भैया जीरो से बड़ा जीरो, और आपको जनता ने जीरो किया भैया, जनता ने जीरो किया है। जिस सरकार की 15 साल तक प्रचंड बहुमत रहा हो, शीला जी ने लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रही हो, वो सिफर पर आकर शून्य पर आकर सिर पटक रही है, तो छटपटाहट बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। इन्हें तो चुप से मिलकर केजरीवाल का साथ देना चाहिए। दिल्ली को गवर्नर की हैंड ओवर कर रहा है, आप इसको काला कानून मानते हैं? ये बेशक मानते हैं, पूरा आवाम मानता है। विधानसभा में पिछले 50 दिनों में आवाज क्यों नहीं उठी, इस बात का क्यों नहीं जिक्र करते आप? सदन में कानून कब आया? बिल कैबिनेट ने कब मंजूर किया? कल मंजूर किया है। आपको पता है 50 दिन कहां से हो गए? कल कानून मंजूर, एक दिन का 24 घंटे का मतलब 50 दिन होता है क्या? सराबा, ये जो बोलेंगे वही होगा क्या? ये जो बोलेंगे 24 घंटे का मतलब अनिल चौधरी जी जो बोलेंगे, आप अनिल चौधरी से पूछे 24 घंटे का मतलब 50 दिन होता है क्या? 24 घंटे का मतलब सिर्फ 24 घंटे होता है, और 24 घंटे नहीं बीते वो देखिए आम आदमी पार्टी का मंच, वो देखिए वो ललकार, कल संजय सिंह की ललकार सदन में, महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे तीनों हमारे सांसदों ने क्या हुंकार भरी है, ये क्या किसी को सुनाई नहीं दे रहा क्या? आपको बिजली पानी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ये दिल्ली की ज्यादा चिंता है, इस पर हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप। दिल्ली की चिंता कैसे होगी भैया, दिल्ली की चिंता कैसे होगी? चुने हुए सरकार को हटा के दिल्ली की चिंता करोगे क्या? चुने हुए एमएलए को हटा के दिल्ली की चिंता करोगे क्या? चुने हुए प्रतिनिधियों को मटिया मेट करके उनके अधिकार को छीन कर दिल्ली की चिंता करोगे क्या? अगर एमएलए ही नहीं चुनने तो एलजी का चुनाव करा लो साहब, एलजी का चुनाव करा लो, आमने सामने आ जाओ, मोदी जी को बोलो एलजी का चुनाव लड़ने, और जीतेगा तो केजरीवाल ही। सर जो बिल ला रही है सरकार वो भी तो चुनी हुई है जनता की है? वो इसलिए चुना था क्या साहब? इसीलिए तो हम पछता रहे कि हमने कैसे लोगों को चुन दिया जो काले कानून याद दिलाने लगे, जो अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म करने लगे। पूरा हिंदुस्तान पछता रहा है साहब। आप बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को देख लो, बेरोजगार नौजवानों को देख लो, और घर से भागते हुए अपनी ही नौकरी को छोड़ते तालाबंदी के टाइम में मजदूरों को देख लो, इनसे खुश कौन है? कौन खुश है इनसे? हमने चुना था, हम हटा भी देंगे, हटाने की पावर हमारे पास है, हम चुन के पछता रहे हैं साहब। हटाएंगे केजरीवाल को या मोदी को? मोदी को हटाएंगे, मोदी को हटाएंगे साहब। ये मैं ही नहीं, और मोदी को हटाने की शुरुआत भी हमने कर दी, और ये शुरुआत आप गुजरात में देख रहे हो, सूरत में देख रहे हो, कि उनके ही घर में, उनके ही मणिनगर में आज अगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया तो आम आदमी पार्टी का ये बहुत बड़ी गूंज है। लेकिन जो धरना मुख्यमंत्री, उनके धरने बेअसर क्यों होने लगे? ये आप कह रहे होंगे, दिल्ली के लोग तो नहीं कहते, आपको लगता होगा ऐसा, ही आपकी परिभाषा है, इस परिभाषा को मैं नहीं कहता कुछ भी। कहां से आए हम? कहीं बाहर से आए क्या? मुझे नहीं पता आप कहां से आए, ये आप बताइए कहां से बेअसर क्यों होने लगे? आप बताएंगे कहां से, मैं कैसे बता दूं आप कहां से? आप अपना वजूद बताइए, अपनी पहचान बताइए। अरे साहब मैं कैसे बता दूं आप कहां से? नहीं आप बताइए अपने वजूद, आप बताएंगे ना? 40 दिन से चुप थे ना, 40 दिन से चुप थे, तो आप भैया मैं कह रहा हूँ जब कैबिनेट में कल पास हुआ है और कल ही संसद में विरोध हुआ है। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं थी क्या पहले से सरकार को, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की, इनकी जानकारी? किसी भी चोर के चोरी की जानकारी नहीं होती, जिस दिन आपके घर में चोरी होती है उस दिन FIR दर्ज होती है। कल कैबिनेट में पास हुआ, कल ही इसका विरोध हुआ, बिना चोरी के कैसे कर दोगे FIR दर्ज भाई? उससे मुकदमा तो तभी दर्ज कराओगे जब आपके घर में चोरी होगी, या आप संभावनाओं पे कर दोगे? हेलो,
40 दिन पहले मुझे पता था मेरे घर में चोरी होने वाली है। अबे भैया तो थाने क्यों जा रहे हो? केजरीवाल गृह मंत्री साहब ऐसे तो मिलने जाते हैं नहीं, वैसे तो उनकी अच्छी बात चल रही थी ना। तो आप क्या चाहते हैं, संविधान में बात का रास्ता भी खत्म कर दें, बंदूक लेके चले जाए, तालिबान बना दें, संवाद का रास्ता भी बंद कर दें? आप चाहते हैं क्या पत्रकार महोदय? हाथों में दी जा रही है अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, चुप क्यों है? आज प्रदर्शन कर रहा है, उसके पहले कहा था जब सदन में चल। यार भैया कल मैं आपको समझ ही नहीं आ रही मेरी बात, कल कैबिनेट में बिल पास हुआ, आज विरोध हो रहा है, और क्या चाह रहे हो? क्या हम विरोध से पहले कागज फाड़ दें? हम उनके कागज फाड़ दें क्या? उनके ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो, उनका अधिकार, जिस दिन कैबिनेट में आएगा उसी दिन विरोध होगा, पहले हो जाएगा। मुझसे बता दीजिए, मुझसे बता दीजिए, एक दिन में कानून नहीं है तो किसी का मुंह में हाथ डाल देंगे क्या? किसी का मुंह में हाथ डाल देंगे क्या? कैबिनेट के पटल पे आया, जिस दिन पटल पे आया हम सामने, जिस दिन पटल पे आया हम सामने, और छाती ठोक के सामने अरविंद केजरीवाल का एक एक सिपाही सामने। अरविंद केजरीवाल हीरो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? 15,000 लोगों का बच रहा है दिल्ली में, जहाँ मोदी सरकार का दमन चल रहा है वहाँ दिल्ली के एक एक आदमी का 15,000 रुपए बच रहा है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बिजली, अच्छा पानी, बिल्कुल बचाना चाहता हूँ। तो बीजेपी के हाथ में बचाएगा क्या? बीजेपी के हाथ में बचाएगी क्या दिल्ली? आप क्या चाहते हैं बीजेपी के हाथ में दिल्ली बचे? इन लुटेरों के हाथ में बचेगी क्या? आप बातें बना रहे हैं, ये भी लुटेरों के हाथ में दे दे सरकार तब दिल्ली बचेगी? सर एक सवाल है, एक रुकिए रुकिए सर, कल किसानों से पूछो कौन बचा रहा दिल्ली, जवानों से पूछो कौन बचा रहा दिल्ली, या केजरीवाल दिल्ली बचा रहा? केजरीवाल, केजरीवाल सर सुनिए, सर साझा प्रोग्राम में बीजेपी और आम आदमी का साझा प्रोग्राम है, ये संयुक्त रूप से आपस में बिल पेश हो रहा है, एक सेकंड, उनका समझौता हो रहा है यूपी में, अदर स्टेट को लेकर ये 50 दिन से पहले बोल नहीं रहे थे कोई भी, क्या ये कहा केजरीवाल? नहीं चलेगी।